अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चाइना ग्रास मैंगो पुडिंग। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड। तो हमें चाहिए तकरीबन 3 आमों का पल्प। आई एम यूजिंग अल्फेंजो मैंगो आपोसाम। चाइना ग्रास तकरीबन 1 कप भर के या 10-12 चम्मच इसको मैंने पानी में भिगो कर रखा है तकरीबन 1 घंटे से। और चाहिए हमें शुगर अराउंड 2 कप, 1 मिल्क पाउडर 1 कप, और मिर्च चाहिए तकरीबन 1 लीटर। ओके, आई एम यूजिंग टोन मिल्क एंड दिस इज़ फुल फैट मिल्क पाउडर। सो लेट्स स्टार्ट। पैन पैन में हम चाइना ग्रास जो भिगे हुए हैं वो डाल देंगे और इसको मेल्ट करेंगे ठीक है, ऑन अ मीडियम फ्लेम। बस इसको अच्छी तरीके से हम डिजोल्व कर लेंगे चाइना ग्रास को। इसको जो चाइना ग्रास है, ये जो ग्रास है, आप चाइना ग्रास का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रास यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लेंगे। ये जो इसके स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये डिसॉल्व हो जाएंगे तब तक मैं इसे कुक करूँगी। और ये जो चाइना ग्रास है मैं 2 चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी। फर्स्ट जो मैं पुडिंग बनाऊँगी मिल्क के साथ उसके लिए, और मैं जो मैंगो पल्प के साथ भी इसका इस्तेमाल करूँगी। तो यूज़ 2 तरीके से करेंगे। सो वॉच इट। चाइना ग्रास इज डिसॉल्व, जस्ट केयरफुली पोर इट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पल्प लिए, पल्प की चाइना ग्रास पुडिंग के लिए रखा है, और थोड़ा सा पैन में है जिसमें अब मैं मिल्क ऐड करूँगी। यू कैन सी मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है, और इसकी मदद से हम कुक करेंगे। फाइव मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे अराउंड 2 कप। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है तो आप अपने मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नाउ ऐड मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाए। नाउ यू कैन सी मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तब तक ये थोड़ा सा डेंस नहीं होता। तीन मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए। मैंने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है और कंटिन्यूसली स्टर किया हुआ है। तो यू कैन सी थोड़ा ये डेंस हो गया है, मतलब पककर कम हो गया। तो बस इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको किसी भी ट्रे में, इसमें हमें डिश आउट करना है, इसमें निकाल लेंगे। तो बस स्लोली हम निकालेंगे। और इसको कूल करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख के सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने अभी कूल होने के लिए रख दिया है, तब तक पैन लेंगे, इसमें मैंगो पल्प ऐड करेंगे और इसको ऑन लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम इसको हम
स्टर करते हुए कुक करेंगे। अगर आपके आम जो है मीठे नहीं हो तो उसमें शक्कर थोड़ी सी 2 चम्मच मिला दें, उसको पका लेते हैं। यू कैन सी 15 मिनट तक कुक करने के बाद ये हो गया है। अब इसमें हम चाइना ग्रास मेल किया हुआ ऐड कर देंगे, इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। हमारा चाइना ग्रास बिल्कुल सेट हो गया है। अब जो हमारा मैंगो पल्प था ये भी मैंगो पल्प है, ये थोड़ा ठंडा हो गया है बट वॉर्म है। हम इसे डाल देंगे और इसको फैला लेंगे। से हम लेवल कर लेंगे और इसके थोड़े से लॉन्च किए हुए आमंड्स ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको फ्रीज करके सेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और मैंगो चाइना ग्रास पुडिंग इज रेडी। इट्स वेरी डिलीशियस, यू कैन ट्राई इट। एक और बात बताना चाहूँगी कि चाइना ग्रास को हम लोग अगार भी बोलते हैं, तो अगार नाम से भी अगर आप लोग दुकान में पूछ लेंगे किसी भी शॉप में तो आपको बता देंगे, या फिर चाइना ग्रास इट्स वेरी कॉमन नेम। एंजॉय इट, से अच्छे तरीके से 2-3 घंटों के लिए फ्रीज करें और ठंडा ठंडा सर्व करें इस रमज़ान के महीने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।